एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कासिम अपनी सभी साथियों को लेकर महल के बाहर पहुंच जाता है। वहां पर बहुत सारे लोगों में से एक आदमी सामने आकर कासिम को बताने लगता है, कासिम तुम्हें ये सब करने की और जरूरत नहीं, अली बाबा ने ऐलान कर दी है ये देश अब से हम सभी के लिए। जहां तक वो अनजान शख्स भी कासिम को देखकर मन ही मन ये कहने लगता है, कासिम अब तुम क्या करोगे। जिसके बाद कासिम यहाँ वहाँ देखने लगता है और मन ही मन ये सोचने लगता है, अली बाबा तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो, तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हो मुझे हराने के लिए। और सामने अगर कासिम अपना बात रखते हुए, मैंने सुना है बलबाद अब से स्वतंत्र देश बन चुका है, कितना बकवास है, पहले तो ये देश बना हुआ है हमारे खून और पसीने की मेहनत से। याद करो तुम सभी लोग कैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाने की वजह से हमारे अपने लोग भूख की वजह से मारे गए और जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। यह बातें सुनकर वो सभी लोग धीरे धीरे भड़क जाते हैं और मैं से कासिम का साथी अपनी मैजिकल स्वॉर्ड के सहारे उन सभी के लोगों के मन में गुस्से को पैदा कर रही थी। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, अलादीन को होश नहीं आ रहा था और हम क्या देखते हैं, अलादीन किसी सपने के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर उसे दिखाई देता है उगो। अलादीन उगो से पूछने लगता है, ये मेरे शरीर को क्या हो रहा है, क्या मैं असलियत में मर चुका हूँ। तो उगो अलादीन को बताने लगता है, ऐसा नहीं है, तुम अभी भी जिंदा हो, मैंने तुम्हें रूह के सहारे यहाँ पर बुलाया तुमसे बात करने के लिए, तुम इतना केयरलेस निकलोगे मुझे नहीं लगा था, तुम मुझे बचाने के चक्कर में मर भी सकते थे। मैंने उस दौरान दूसरे मागी को भी बुलाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाया। वही हम क्या देखते हैं, दूसरी तरफ वो अनजान शख्स अपनी छड़ी के मदद से बहुत सारा ब्लैक रोग निकल रहा था जिसके वजह से आसमान पूरी तरह से काला बन चुका था। यहाँ कासिम का साथी उन सभी लोगों से यही कहने लगता है, उस महल के अंदर जो भी लोग बचा हुआ है उन सभी लोगों को मार दो। यहाँ पर उगो अलादीन को समझाने लगता है, ये सभी हो रहा है किस्मत का खेल के वजह से, तुमने अपने सफर के दौरान बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, ये सभी तुम्हारी किस्मत में था, तुमने देखा ही होगा कुछ मागी को जो इस्तेमाल कर रहा था काली शक्तियों का, पहले मैं भी यह देखकर हैरान था, मुझे पता था ये सब होगा पहले से, इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए मैं सामने आया, मेरे मास्टर ने जितना मागवी मुझे दिया था उतना ही इस्तेमाल कर सका, जहाँ तक तुम मुझे बचाने के चक्कर में अपना मागवी मुझे दे रहे थे, पर मैं तुम्हारा जीन नहीं था इसीलिए मैं तुम्हारा मागवी नहीं ले पाया, अब से मैं तुम्हें और बचा नहीं पाऊंगा, और जितना ताकत बचा हुआ था वो इस्तेमाल कर लिया तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए। तुम यहाँ देख सकते हो अली बाबा मुसीबत में है, जब दुनिया अंधेरा में डूब जाएगा तुम्हें सबके सामने आना होगा एक रोशनी की तरह। जिसके बाद हम क्या देख पा रहे थे, जी ने अपने मैजिकल पावर के सहारे एक जादुई दरवाजे के उस तरफ भेज देते हुए, जिसके कारण अलादीन के शरीर से बहुत सारा रोशनी निकल रहा था, जिसके वजह से अलादीन को वो सब कुछ मिल जाता है जो ज्ञान उसे चाहिए था, जो सच वो बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। और मागी का क्या मतलब होता है, यह असल जिंदगी में हम क्या देख पा रहे थे, जफर जाने से पहले उस लड़की को बताने लगता है अलादीन का अच्छी तरीके से ख्याल रखने के लिए। बाहर वो सभी लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, जिसे देखकर फौज का जो लीडर था वो अमाज से पूछने लगता है, जल्दी से हम सभी को ऑर्डर दीजिए नहीं तो हमारे देश के लोग बेकार में मारे जाएंगे। फिर अली बाबा सभी को ऑर्डर देने लगता है, कुछ लोग गेट पर पहरेदारी करेंगे और आधे लोग जाएंगे उन सभी लोगों को रोकने के लिए, और मैं जाकर रोकता हूँ कासिम को। कासिम भी अपनी साथियों को लेकर आगे बढ़ने लगा था, वो भी अली बाबा से बदला लेने के लिए। लेकिन हम क्या देखते है, अचानक से उन सभी के चारों तरफ आकर लहरा जाता है, जो करने वाला और कोई नहीं था अली बाबा था, और अपने हथियार को कासिम की तरफ करते हुए, जिसे देखकर कासिम कहने लगता है, अली बाबा तुम तो मुझे डरा रहे हो। तो अली बाबा भी पूछ लेता है, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, साथ ही साथ तुम्हारा असली मकसद क्या है, और चिल्लाकर अली बाबा कासिम से जवाब मांगते हुए, जिस पर कासिम भी बताने लगता है, मैं वही बात तुमसे पूछो तो, मैंने तुम्हें कब कहा था इस देश में कोई किंग नहीं चाहिए। जिसके बाद कासिम अचानक से अपने मैजिकल सोर्स से हमला कर देते हुए, उसके साथी लोग भी हमला कर देते हुए, अली बाबा उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। उस हमले से अली बाबा को अच्छी तरीके से दिखाई दे नहीं रहा था। सामने बढ़ते हुए कासिम कहने लगता है, अब बताओ तुम मुझे, अमीर हमेशा अमीर रहे, गरीब हमेशा गरीब, जिसके लिए किसी को तो बलिदान देना ही होगा। कासिम अपना सबसे बड़ा हमला करने जा रहा था, जिसको अली बाबा नया मैजिकल शॉट से उस हमले को रोक देते हुए, उसी के साथ अली बाबा सीरियस लुक देकर बताने लगता है, इसका मतलब तुम पहले से किंग बनना चाहते थे, जिसके लिए तुमने बहुत लोगों को मारा, अब से मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कासिम का और एक साथी हमला कर देता है, यह कहकर अभी जाकर पिघला देता हूँ तुम्हारी शॉट को, लेकिन उस शॉट को बहुत आसानी से अली बाबा बीच में से काट देते हुए, और सामने जितने लोग भी खड़े हुए थे मैजिकल शॉट के साथ, उन सभी शॉट को टुकड़े टुकड़े कर अली बाबा कासिम के गर्दन में अपना शॉट रख देता है। साथ ही साथ अली बाबा बताने लगता है अपने लोगों को कह देने के लिए पीछे हट जाने के लिए, जिसके बदले में कासिम भी जवाब देता है, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन हटना नहीं, मुझे मार सको तो मारो जल्दी। जिसे सुनकर अली बाबा हिचकिचा रहा था, पीछे से वो आदमी भी कहने लगता है, एक बार में इस कहानी को खत्म कर दो। तो अली बाबा हमला तो कर देता है, लेकिन इसी बीच उसे याद आ जाती है बचपन की याद,
दे। और रोते हुए अली बाबा कहने लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, और बार बार कासिम से रिक्वेस्ट करने लगता है इस फाइट को रोक देने के लिए। मगर कासिम हंसते हुए बताने लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, और अपने सभी साथियों को देखने लगता है जहाँ उन सभी को बंदी बना लिया गया था। कासिम याद करने लगता है उस अनजान शख्स ने उससे क्या कहा था, तुम इस शोर के सहारे अपनी किस्मत को बदल सकते हो, सिर्फ तुम्हें इस हथियार की ताकत को जगाना होगा। तुम इस ताकत को सहन नहीं कर पाओगे तो साथ ही साथ तुम मारे जा सकते हो। और अपने शोर को सीने में घोप देते हुए, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी हैरान थे, जिसके बाद कासिम खून से भीग गया था और सभी को बताने लगता है अब मैं दिखाता हूँ तुम सभी को, जो स्लम्स में रहते उनके पास भी ताकत होता है। वो सभी सोच जो टूट के बिखर गए थे वो सभी आसमान में उड़कर कासिम के शरीर में जाकर वो सभी एब्जॉर्ब होने लगता है। तो कासिम बदलकर एक मॉन्स्टर की तरफ बनना शुरू हो जाता है, जो बदलकर एक ब्लैक डीमन बन जाता है। और यह एपिसोड खत्म हो जाता है, देखेंगे दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहना।